पौड़ी जिले के कोटद्वार में मालगोदाम रोड स्थित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कैंप कार्यालय का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने के उद्देश्य से विधानसभा अध्यक्ष कोटद्वार में कैंप कार्यालय का शुभारंभ किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में उपस्थित कार्यकर्ताओं क्षेत्रवासियों की उपस्थिति में हवन यज्ञ किया गया। पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में कैंप कार्यालय स्थापित किया गया, जहां पर विधानसभा अध्यक्ष मौजूद रहे। वहीं स्टाफ ने क्षेत्रवासियों की समस्याओं को सुना। इसके साथ ही कार्यालय से जनपद स्तरीय सभी विभागों के साथ सामंजस्य रख कर विकास कार्यों को गति मिलेगी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि वह जब भी क्षेत्र में मौजूद रहेंगी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा सड़क बिजली पानी उनकी पहली प्राथमिकता है। क्षेत्र का चहुंमुखी विकास हो इसके लिए वह हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार जनता के हित में कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है। कोटद्वार से राजेंद्र खंतवाल की रिपोर्ट। एक स्थायी जगह मिलती है, वैसे ऑफिस चल रहा था नीपू चौड़ के मेरे रेसिडेंस में, लेकिन जब एक स्थायी जगह मिलती है जहाँ मैं भी एक समय पर अपना बैठूंगी, मेरे जो काम करने वाले कर्मचारी वो भी यहाँ पर समय पर बैठेंगे और साथ ही साथ कार्यकर्ता भी यहाँ पे आके बैठ सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, आम जनता भी आ सकती है। पूरा ही कोटद्वार बाजार को आता ही है, तो एक ऐसी जगह पर हमने ये कार्यालय खोला है जहाँ से मैं अपनी विधानसभा के भी कार्य कर पाऊंगी, जो हमारा सदन है उसके भी कर पाऊंगी और साथ ही साथ कोटद्वार के भी जो भी समस्याएं हैं उनको हम यहाँ से तीव्र गति से कर